वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत इत्तेहादी रहनुमाओं का इजलास, सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। इजलास से कबल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीरे ख़ारजा बिलावल भुट्टो की मुलाकात हुई। बिलावल भुट्टो ने ख़ारजा उमूर से मुतालिक आगाह किया। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स नहीं मिले, इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा। बताया कि स्टेट बैंक की तरफ से 21 अरब रुपए मुंतकल नहीं किए गए। स्टेट बैंक और वजारत खजाना ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपनी रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट्स में रकम मुंतकिल ना होने की वजूहत शामिल है। चीफ जस्टिस से हसास इदारों के सरबराहान की चैम्बर में मुलाकात। सेक्रेटरी, दिफा, अटॉर्नी जनरल और पंजाब इलेक्शन केस सुनने वाले दो जजेस भी मुलाकात में मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक जजेस ने पूछा, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हालात तो काफ़ी बेहतर हैं। अफसरान ने जवाब दिया कि पार्लियामेंट को वही ब्रीफिंग दी जो अदालत को तहरीरी तौर पर आगाह किया। दस साल से ऑडिट क्यों नहीं कराया, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में तलबी। ईद के बाद पेशे की हिदायत, जजेस, सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स को मिलने वाली प्लॉट्स की तफसील भी तलब। चेयरमैन पीएसी नूर आलम खान ने कहा कि ये भी पता करें कि इनके पास अपार्टमेंट खरीदने के पैसे कहाँ से आए। इमरान खान को हरासा न किया जाए, लाहौर हाईकोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। दौरान समाज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि ये कौम मुझे 50 साल से जानती है। जस्टिस अली बाकर नजफी ने रिमार्क्स दिए कि खान साहब, आपकी ये बातें हम बहुत बार सुन चुके हैं, चाहते हैं आप कोई नई बात करें, कौम को मुस्तकबिल का प्लान दें। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। मौकिफ इख्तियार किया गया कि सदर आरिफ अलवी का झुकाव एक मखसूस सियासी जमात की तरफ है। सदर ने पार्लियामान की जानिब से भेजे गए सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की मंजूरी नहीं दी। आरिफ अलवी को सदर मुमलिकत के अहदे के लिए अनफिट करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन, स्टेट बैंक और पार्लियामेंट समीउल्लाह से कलीमुल्लाह का खेल खेल रहे हैं। पीटीआई के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही की लफ्जी तनकीद, कहते हैं कि शहबाज शरीफ तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो चुके, अब फैसले का इंतजार है। जमहूरियत के इस्तेहकाम और तहफ्फुज़ के लिए सबको आइन और कानून पर अमल करना होगा। सदर काफरी चौधरी शुजात से रहनुमा जमात इस्लामी लियाकत बलोच की मुलाकात। लियाकत बलोच की सियासी तनाव कम करने के लिए काफरी की क्यादत से तआवुन की दरख्वास्त। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने मुल्क भर में इंतखाबात एक ही रोज कराने पर इत्तफाक किया। चौधरी शुजात ने कहा कि हम भी सियासी बहरान खत्म करना चाहते हैं ताकि मुल्क आगे बढ़ सके। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के इंतखाब में ताखीर का मामला अदालत पहुंच गया। हाईकोर्ट आज़ाद कश्मीर में पिटिशन दायर, दूसरी जानब आज़ाद कश्मीर में मुतहदा अपोजिशन और फॉरवर्ड ब्लॉक में शराकत इख्तदार का फॉर्मूला तय। वज़ीर-ए-आज़म, पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक, स्पीकर, नून लीग और ज्यादातर वजारत पीपल्स पार्टी को मिलेगी। और पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। नारान, बाबूसर टॉप और मुलहक आबादियों में 3 इंच से ज्यादा बर्फबारी। वादी लीपा का लैंड स्लाइडिंग के बायस दीगर इलाकों से जमीनी राबता मुनक़ता। कोहिस्तान में भी लैंड स्लाइडिंग। शहरा कराकरम ब्लॉक, दीपबाला में कुमरात, पेशावर, जी टी रोड सलाबी रैली में बेहतर।